सामने वाला एक बंद ही करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, कुछ नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा सा रखो ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच और इतनी कमाल की फिल्म देने के लिए शुक्रिया देखिए जन्मदिन मनाने की वैसे तो एक ही वजह होती है कि पैदा हुए हैं और अब ये ख़ास इस वजह से हो गया है क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार मिला है फिल्म को, ड्रीम गर्ल सुपरहिट हो गई है तो एक और बड़ी वजह मिल गई जन्मदिन मनाने की तो इसलिए बेहद ख़ास हो गया है जन्मदिन। क्या सोचा था आपने कि यहां तक जर्नी पहुंच जाएगी, सफर पहुंच जाएगा और हाउ यू केम ऑन बोर्ड एज अ डायरेक्टर? सोचा तो था कि डायरेक्ट करूंगा लेकिन इतनी जल्दी करूंगा ये सोचा नहीं था, लेकिन कह देते हैं ना, वैसे कहते तो ये हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया कि जल्दी आए दुरुस्त आए, तो ये है अब क्योंकि डायरेक्शन करना ही था और फिर मेरे तरीके की फिल्म थी। क्या कहना चाहेंगे राज शांडिल्या का जन्मदिन है आज, किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप राज? यार राज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, राज के साथ बहुत काम किया है और आज बर्थडे है और हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, बहुत बड़ा दिन है और आज एक्चुअल में हैप्पी बर्थडे है उनका बिकॉज उनकी फिल्म ने बहुत बहुत बढ़िया किया है और कहते हैं अगर मेहनत करो तो फेल नहीं होती, बहुत बड़ा एग्जाम्पल राज है। बिल्कुल यार मैंने फिल्म देखी, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कॉमेडी है, आयुष्मान जो है बहुत अच्छा काम किया है एंड सारे दोस्तों ने मिलकर फिल्म बनाई है और बस यही चाहते हैं कि आगे भी ऐसी फिल्में बनाते रहें और अच्छी करें। आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं? यार बस यही है, अब ये जो एक झड़ी स्टार्ट करी है ये कंटिन्यू रहे और हर साल ऐसे ही पार्टीज बड़ी होती रहें, फिल्में और बड़ी होती रहें और इसी तरह अच्छा काम करते हैं। क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका कुछ कोलैबोरेशन हो उनके साथ? एब्सोल्युटली व्हाई नॉट यार, आई थिंक राज बहुत अच्छे सिर्फ ना सिर्फ एक राइटर हैं, अब उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं और बहुत सी बातें चल रही हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑलराइट थैंक्स थैंक्स। थैंक यू तभी वही शुभकामनाएं देने हम मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि इन्होंने एक तो एक बेहतरीन पिक्चर बनाई और उसके साथ इनका अब बर्थडे भी है तो डबल सेलिब्रेशन है, सो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू हिम। इसने बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, आई थिंक आप सब लोगों ने देखी होगी और बहुत ही बहुत बहुत ही बहुत बेहतरीन फिल्म है एंड ऑल द बेस्ट टू हिम बिकॉज ये बहुत हार्ड वर्किंग है, हम भी आगे कुछ साथ में काम करने वाले हैं तो मुझे मालूम है जिस तरीके की आइडिया सोचते हैं वो बहुत ही यूनिक होता है। थैंक यू सर। बर्थडे का सरप्राइज आज ही मिलने वाला है राज को या फिर ऐसा कुछ? सर हमें न्यूज़ मिलने वाली है कि अभी मैं आया हूं तो अभी आप रिज्यूम कीजिए हम लेकिन अनाउंस जी नहीं डेफिनेटली, मतलब आज अच्छे बेहतरीन डायरेक्टर हैं और डेफिनेटली क्यों नहीं हो सकते, 100% कुछ शुरू करेंगे साथ में। श्रद्धा मैम आप बताइए किस तरह का एसोसिएशन होने वाला है बर्थडे की, किस तरह की शुभकामनाएं देने वाले हैं राज को? बर्थडे की शुभकामनाएं तो काफ़ी पहले ही मैंने दे दी है और मेरे ख्याल से एसोसिएशन वो खुद उन्हीं के मुंह से वो बताएं। हम अभी कुछ साथ में कर रहे हैं, कुछ नया अनाउंस करेंगे, पहले भूषण जी आए हैं उनका स्वागत कर लिया जाए, आप लोग हो गया हो तो हम जरा पार्टी कर लें। या थैंक यू सो मच सर। आई सर एक मिनट वीडियो ले लेना चाहता हूं साथ में, ये आपके साथ में थैंक यू राज।
दांत अभी लिपस्टिक में है ना? Yes, yes, and I'm very very happy for Raaj for his success. हमने राज के बहुत सारे बर्थडे पार्टीज वैसे ही अटेंड किए, उन्होंने हमारे किए, बट दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल. उसकी पहली फिल्म है और इतनी सक्सेसफुल रही फिल्म, और बहुत ही अच्छी लिखी और डायरेक्ट की उसने. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. ओके सर, क्या कहना चाहेंगे? राज शांडिल्या का जन्मदिन है, डबल सेलिब्रेशन है, उनकी फिल्म भी हिट हो चुकी है. मैं राज को भी बता रहा था कि दिवाली उस दिन होती है, बर्थडे उस दिन होता है जिस दिन खुशी का माहौल हो. उसने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है जिसको ऑडियंस ने बहुत दाद दी है, उसको सक्सेस मिली है, तो हॉलीडे बर्थडे मनाने का मज़ा भी आता है. और ही इज़ अ गुड डायरेक्टर. जब मैंने फिल्म देखी तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैं जानता नहीं था, मैं पहली बार मिला हूँ आज. बट ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, उसका बहुत अच्छा फ्यूचर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आइंदा ऐसी अच्छी पिक्चरें बनाएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मच. नया क्या, नया कुछ भी नहीं है. वही है बेसिकली. राधे राधे गाना ये इमोशनली मुझे बहुत अच्छा करना था, और एक ढगाल लग लगा, दो गाने थे मेरे, क्योंकि राज को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. बहुत स्ट्रगल की उसने, बहुत मेहनत की, और मतलब ऐसे टेक्नीशियन जो आगे आते हैं उनके लिए दिल से गाने करने, उसके लिए सपोर्ट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है. और मेरे ख्याल से मैंने जितने मेरे तरफ से कोशिश की मैंने, और पिक्चर चल गई, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स है और बहुत अच्छी फिल्म के तारीफ है. आज उसका बर्थडे है तो मैं बोलूँगा हैप्पी बर्थडे राज, तुम जियो हज़ारों साल, और हर साल एक ऐसी हिट पिक्चर मिल जाए तुमको. सर, उनके लिए क्या सरप्राइज होने वाला है आज के दिन के लिए? उसको सरप्राइज मिल चुका है, ड्रीम गर्ल हिट होके उसको सरप्राइज मिल चुका है, और क्या मिलेगा उसको. आगे कौन सा एसोसिएशन होने वाला है राज के साथ, अगर वो तो उसको सोचना है ना. राज बहुत ही अच्छा लड़का है बेसिकली, बहुत ही सिंपल सा और बहुत जॉली, और जिस हिसाब से उसका नेचर, उसको सक्सेस मिलनी थी, हम्बल है बहुत, और बहुत प्यारा है, तो बस उसको आशीर्वाद दे दिया भगवान ने. हैप्पी बर्थडे राज. ओके थैंक यू. डेफिनेटली हैप्पी बर्थडे टू हिम. एंड जिस तरह से उनकी ड्रीम गर्ल ने इतनी सुपर सक्सेस मिली है, उसी तरीके से उनके आगे के प्रोजेक्ट भी उनको बहुत सफलता मिले. आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. ऑफकोर्स आई हैव सीन दैट लवली. एंड इन एनी केस आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आयुष्मान खुराना, ह्यूज फैन. ही इज़ फैंटास्टिक एक्टर एंड द डायरेक्शन वॉज एब्सोल्यूटली अमेजिंग. सो आई एम रियली हैप्पी. आई मीन इट्स अ कम्प्लीटली एंटरटेनिंग फिल्म, फैमिली के साथ बैठ के देखना और सब, यू नो, जस्ट वेरी गुड. तो आपका कोई एसोसिएशन होने वाला है आयुष्मान और राज के साथ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, बट आई रियली होप सो. आई रियली विश टू वर्क विद हिम, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद राजी एंड ऑफकोर्स आयुष्मान. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.